बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद सलामी, आप सबको वेलकम। आज हम बहुत मज़ेदार चिकन वेजिटेबल मोमोज बना रहे हैं। ये बेहद टेस्टी हैं, बहुत लजीज हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसी तरीके से हम आपको ये बताएंगे। मोमोज बनाने के लिए चिकन का कीमा लिया 3 पाव, 750 ग्राम, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, और अगर के आपके पास वाइट मिर्च नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल हैं, 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 3 टेबलस्पून गोभी, 3 टेबलस्पून गाजर, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून धनिया और 5 टेबलस्पून हरी प्याज। हरी प्याज इसमें ज़्यादा जाती है, कुछ लोग इसमें सिर्फ हरी प्याज ही डालते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप हरी प्याज के साथ बना लें या सारी वेजिटेबल के साथ। वेजिटेबल के साथ भी ये बहुत मज़े की बनती हैं। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें, इन्हें हमने बारीक काट ली है, कीमे को हमने पीस लिए। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करते हैं। सोया सॉस डाल दिया हमने, नमक, काली मिर्च और वाइट पेपर हमने डाल दिए। सिरका, लहसुन, चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर आपके पास नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसालों को हम चिकन में मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डाले जाते, ये आप देख सकते हैं कीमा इतना सॉफ्ट है, इसी तरह से आपका भी होना चाहिए। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल ऐड करते हैं। फिर से मिक्स करते हैं। मोमोज की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी और कलरफुल बनी है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर मोमोज की स्टफिंग अच्छी होगी तो आपको फिर ही मोमोज का मज़ा आएगा। अब हम डफ तैयार कर लेते हैं। 2 कप हमने मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 ग्लास पानी। पानी हम हसबे ज़रूरत यूज़ करेंगे। मैदे में हमने नमक डाल दिया है। अब हम इसमें ऑयल भी डालते हैं। पानी डालने से पहले हम आटे में ऑयल को अच्छी तरह जज्ब करते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे। जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरह से हमने इसे भी गूंदना है। डो को हम ना ज़्यादा सख्त रखेंगे और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करेंगे। आटा हमने गूंद लिया है, अब थोड़ा सा ऑयल आटे के ऊपर लगा देते हैं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। आटा गूंदने के लिए सिर्फ 1/2 ग्लास पानी यूज़ हुआ है। अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। की डो को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी है। आप देखें ये सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। अब हमने एक प्लेट में मैदा लिया है, अब हम आटा लेके एक पेड़ा बना लेंगे।
अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। पेड़े की इस तरह से हमने रोटी बना ली है। अब हमें कटर चाहिए, या घर में कोई भी आपके कोई ढक्कन है या इस तरह से गिलास है तो आप वो ले सकती हैं। इस तरह से हम सारे सर्कल काट लेते हैं। अब हम ये फालतू आटा जो है वो निकाल लेते हैं। ये हमारे सर्कल्स बन चुके हैं। ये हमने एक सर्कल लिया है, इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हमने सर्कल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये आप देख सकते हैं। अब ये बहुत मोटा नहीं है। टू टीस्पून हमने फिलिंग रखी है, क्योंकि फिलिंग ज़्यादा होगी फिर ही मज़ा आएगा। ये देखें, इस तरह से एक साइड हम उठाएंगे, ये देखें इस तरह से हम बंद करते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे मोमोज तैयार कर लेते हैं। सब मोमोज की हमने फिलिंग कर ली है, अब हम स्टीम की तरफ चलते हैं। अब अगर स्टीम के लिए आपके पास स्टीमर है तो आप वो भी ले सकती हैं। हमने ये प्रेशर कुकर लिया है, ये हमने प्लेट रख दी है बीच में। इस प्लेट से 2 इंच नीचे कम से कम पानी होना चाहिए। इस प्लेट को हम ब्रश के साथ ग्रीस करते हैं। तकरीबन 2 ग्लास मैंने ये पानी डाला है प्रेशर कुकर में। पानी खोलने लग गया है, प्लेट को हमने ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें मोमोज रखते हैं। पानी को बॉईल आने के बाद फ्लेम हमने मीडियम कर दी है, इसे हम 12 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। कोई भी वजनी चीज़ है तो आप इसके ऊपर दे सकते हैं ताकि स्टीम बाहर ना निकले। मोमोज को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। इन्हें मोमोज बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इन्हें निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार मोमोज बिल्कुल रेडी हैं, ये बेहद मज़े के बने हैं। आप अगर इन्हें चाहें तो आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल कचौरी की तरह बन जाएंगे और चाय के साथ बेहद टेस्टी लगेंगे। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करने। किचन विद सना को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।